तो तुम रोज पिक करने आते हो उसे? जी जुनेद भाई, कजन है मेरी, पूछे कुछ। हाँ कजन है ये मेरा, और रोजाना मुझे पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं। अच्छा खैर, एनीवेज मैं चलता हूँ। जुनेद भाई का उसके पास खड़ा होना इत्तफाक है या वो उससे मिलने आए थे? यकीनन वो उससे मिलने आए थे, जब ही तो सालार की कॉल। कुछ करना पड़ेगा, बस ये सोचकर मैं 6 महीने का रिस्क नहीं ले सकता। हाँ भाई, ये तुम क्या इंडियन हीरोज की तरह खुद से बातें कर रहे हो? हाँ वो सारे अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो अंदर। आप चले, मैं आता। वैसे एक बात बताओ, ये तुम उमानी पे क्या जादू कर कर आए हो? इतनी मीठी बातें कर रही हैं, अंदर चल के देखो, बहुत अच्छी बरी सजा कर लेकर आई है तुम्हारी। तो आप निकाह के छुआरों का इंतजाम करें ना भाई। क्या? हाँ ना, कुछ जल्दी का सीन बनाए। चलो करते हैं कुछ, अंदर आ जाओ, जल्दी आओ। आओ चले चले, मैं आता हूँ। भाभी आप बैठे ना। नहीं नहीं तुम बैठो भाई। एहतशाम की दुल्हन तो हमारे घर आई नहीं भाई, हमने सोचा कि हम खुद ही सलमान के साथ साथ दुल्हन के लिए भी कुछ ले जाते हैं। हाँ भाई, खानदानी लोगों में तो ऐसा ही होता है। हाँ सारी चीजें सितारा ने खुद अपनी मर्जी से अपनी पसंद से जा कर ली, और खास कर सलमान की शर्ट चुन चुन कर रंग लिया उसने। अच्छा मैं तो समझी थी कि नजमा ने सिर्फ हमें ही बुलाया, लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और है। माँ जी, फोन आपके पास आया था ना, बात आपसे हुई थी, मुझे क्या मालूम। तुम इतनी सादी क्यों आई हो? थोड़ा मेकअप तो कर लेती। मैं सीधा यूनिवर्सिटी से आई हूँ भाभी। हाँ तो यूनिवर्सिटी भी ऐसी सादी चली जाती हो, मैं तो कॉलेज में भी प्रॉपर मेकअप करके जाती थी। वो क्या है ना भाभी, हमारी सितारा इतनी हसीन है कि इसे मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना निम्मी? ठीक कह रही हूँ ना? हाँ है तो। और भाभी आपको पता है ये इतनी फोटोजेनिक है, इतनी अच्छी पिक्चर्स आती हैं इसकी के बस पूछे ही मत आप। उफ मेरे खुदाया भाई, मेरी तो कमर में बैठ बैठ के दर्द शुरू हो गया। अरे खाला भी आप मेरे कमरे में जाकर आराम कर लें। लगता है तुम्हारी खाला भी को हमारा आना पसंद नहीं आ रहा। जबी तो उठ के जा रही है। अरे नहीं भैया, हमें किसी का आना जाना भला क्यों बुरा लगेगा, बस कुछ चेहरे देख के ना जख्म ताजा हो जाते हैं। कौन से जख्म खाला भी? अरे है भाई, जिनका एहसास तभी होता है जब अपनी औलाद अपने से दूर होती है। अरे तुम बैठी क्या कर रही, चलो उठो, आओ लेके चलो मुझे। सर में मेले लगे हुए थे जब यहाँ पे, मुझे तो बताती कम। अरे माची सितारा तुम आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ, मेरे पास मेकअप का बहुत अच्छा सामान है। नहीं भाभी अभी मेकअप करवाने का दिल नहीं चाह रहा। अरे आओ ना, बड़ों को अपनी बातें करने दो, हम अपनी बातें करते हैं। अरे हाँ जाओ सितारा जाओ।
भाई किस आशिक की बात हो रही है? जुनेद साहब कह रहे हैं कि तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। क्या मोहब्बत? और वो भी उससे? क्यों नहीं हुई? नहीं भाई, हरगिज नहीं। आई जस्ट फील बैड फॉर हर, दैट्स ऑल। यू नो व्हाट, तुम्हारी ये जो सिंड्रेला लाइक थ्योरी है ना, इसमें ये लोग आ सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है उस पर यकीन करता हूँ। लड़की नहीं मान रही तो मैरिज अरेंज करवा लो, झगड़ा खत्म। मोहब्बत का कब काम है तो इतनी देर से क्या बता रहे हो? उसके मंगेतर को भेज दिया, शादी तोड़वा दी, एजुकेशन कभी ये कभी वो, और अब उसका कजन। मतलब बंदे को हमदर्दी भी हो सकती है। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों नहीं हो सकती क्या? आहा, हो सकती है। हम पेट दर्द का बहाना करके फील्ड छोड़कर यहाँ आए नेटवर्क की तलाश में, एक लड़की को कॉल करने के लिए, तो ये हमदर्दी ही हो सकती है यार। लोगों को लगता है मुझे उसमें इंटरेस्ट है, उन्हें केयर और इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं समझ आता। उन्हें क्या पता वो कितनी बेवकूफ है। ये मेरे भाई हैं, तुम मिली थी ना इनसे, इनकी सराफा बाजार में दुकान है। अच्छा, याद नहीं है मुझे। हाँ वैसे सही बात है, इतने लोग थे शादी में, कहाँ याद रहते हैं। एक बात पूछूं? जी पूछिए। ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ना? क्या सब? मेरा मतलब है कि तुमने तो अभी एडमिशन लिया है ना, और फिर सलमान के बारे में तुम सब जानती भी नहीं होगी। क्या नहीं जानती? तुम इस सब से खुश नहीं हो ना? किस सब से? क्या कुरेद रही हैं भाभी? कुछ नहीं। खाना लगा दे। लो, आप तो इसका मेकअप करने आई थी ना, तो ये सब क्या है? हम तो बस ऐसे ही एल्बम देखने बैठ गए थे। लो, और मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, चलो चलें। रहने दो, सितारा बाहर अनकंफर्टेबल होगी। आप सही कह रही हैं, मैं भी बाहर बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। आखिर कौन है जिसे इतना छुप छुप के दिखाया जा रहा है? बाहर जा रही हूँ। दिखाएं। अरे तुम देखने देती ना उसे, तुमने तो पहले भी देखा हुआ है, वो तो पहली बार देख रही थी एल्बम। तो क्या हुआ भाभी, जब वो शादी करके आएगी तो उसे रोजाना दिखाती रहेगा। बल्कि काम कीजिएगा, आप दोनों एक दूसरे को रोजाना एक दूसरे की शादी की एल्बम दिखाते रहेगा।